हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन, न्यूज प्लस की खास पेशकश। देश के बच्चों का भविष्य किस प्रकार से अंधकार में जा रहा है। शहर में रोजाना नशे की लत बढ़ती जा रही है, जिसमें कम उम्र के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, अपने घरों में थैला लेकर कूड़ा बीनने के लिए निकलते हैं और सिलोचन आदि कई तरह से नशा करते हैं, जो पन्नी में रखकर उनको सूंघते रहते हैं। इन बच्चों को ऐसी लत पड़ जाती है, फिर वो चोरी चकारी और झपटमारी चालू कर देते हैं, जिसमें उनके माँ बाप भी उनका साथ देते हैं। और पैसों की लत के चक्कर में माँ बाप भी भूल जाते हैं कि इनके भविष्य के साथ वो भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और चंद पैसों के चक्कर में एक दिन ऐसा आता है कि ये बच्चे या तो पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं के चलते अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। पुलिस और सामाजिक संस्था अगर और कुछ अच्छे तरीके से मेहनत करें और वक्त रहते इन बच्चों के माँ बाप पर अगर कंट्रोल कर लें, तो यकीन मानिए काफी सुधार आ सकता है। और ये किसी एक संस्था या पुलिस के करने से नहीं होगा, आपस में मिलकर काम करना होगा। आशाडी फाउंडेशन ने कुछ दिन पहले समस्याओं को लेकर एक प्रोग्राम भी किया था कि हमें बच्चों की समस्याओं को किस प्रकार से हल करना चाहिए। अगर ऐसे कुछ और संस्था भी काम करे तो हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं और देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आशाडी फाउंडेशन। सर, आज जो ये आपने प्रोग्राम करा, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है और आप इससे आम जन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यासीन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और न्यूज़ प्लस चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। आप अपना टाइम निकाल करके हमारा जैसे एनजीओ का पास आए, इसीलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सवाल पूछा कि आज जो हमारा मीटिंग था, सेमिनार था, उसका उद्देश्य क्या है। हमें बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप हमको करना पड़ता है, क्योंकि हमें समुदाय का बीचों बीच आशादीप फाउंडेशन काम करता है पिछले 40 सालों से। और जिस झुग्गी झुपड़ी का लोगों के लिए हम काम करते हैं, उनको बहुत सारे चीज जानकारी नहीं होती, और जानकारी देने के लिए हमें कम्युनिटी को, लोगों को बुलाना पड़ता है और उनको ट्रेनिंग माध्यम से, मीटिंग माध्यम से उनको जानकारी हम प्रदान करेंगे। और आज का जो मीटिंग था वो जौन शोषण का ऊपर था। और आपको सभी को, मीडिया पर्सन को पता है कि प्रति घंटा में 3 बच्चों का यौन शोषण होता है और 5 बच्चों का, 3 बच्चों का रेप होता है और 5 बच्चों का यौन शोषण होता है इंडिया में। ये वर्तमान स्थिति है और ये सिर्फ NCBR का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिपोर्ट है कि हर घंटा में 3 बच्चों का रेप होता है उस देश में हम लोग रहते हैं। हैं तो मीडिया भी उसको जागरूकता करना चाहिए और मेन मीडिया को भी बोलता हूँ, मेन मीडिया, मेन न्यूज़पेपर को भी जागरूकता करना चाहिए। और 5 बच्चों को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में यौन शोषण होता है एक घंटा का अंदर। और चाइल्ड लेबर में इतना बच्चे फंसे हुए हैं और चाइल्ड मैरिज होता है, और कोरोना काल में कितना बच्चों का, 14 साल 15 साल का बच्चों का मैरिज हो गया, वो जागरूकता कहाँ से देंगे। तो आशादीप फाउंडेशन ने सारे चीज़ को, सारे मुद्दा को जागरूकता करता है लोगों को। और आप लोग आते हैं और मीडिया की तरफ से भी हम गुजारिश करते हैं कि उसको लगातार लोगों को जागरूकता करें, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल का मीडिया है, मेन मीडिया ने ग्रास रूट लेवल का खबर को आप छापे जरूर। और जो भी प्रशासन है इसी लाइन में काम कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज के लिए और बच्चों का यौन शोषण के लिए और बच्चों का पॉक्सो एक्ट के लिए, जे एक्ट के लिए, जितना भी स्टेक होल्डर काम कर रहे हैं, उन लोग का जो कोऑर्डिनेशन है और उन लोग का जो मजबूती नेटवर्किंग है, नहीं है। एक दूसरे का डिपार्टमेंट को खिंचता नहीं होता है, टांग खींचते हैं। इसीलिए जो काम करने वाला, जो चाइल्ड को अपहरण कराता है कि चाइल्ड, तो चाइल्ड लेवल में हम लोगों के यहाँ रेस्क्यू किए जा रहे हैं बच्चों को, चाइल्ड बैगिंग पे भी फोकस किया जा रहा है। जो बच्चे बैगिंग में इन्वॉल्व हैं उन बच्चों को रेस्क्यू करके उनको CCI में
प्लेस कराया जा रहा है, प्लस जो बच्चे बाहर से ट्रैफिकिंग होके आ गए हैं और जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी तरह के चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो, चाहे डोमेस्टिक में या इसमें फैक्ट्री एंड ऑल, तो उन बच्चों को सीबीआई में प्लेस करते हैं, प्लस बेजेस उनका दिलवाते हैं, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करके उनके एजुकेशन में उनको इनरोल करा के और उनको रिहैबिलिटेशन, लास्ट हम लोगों का जो मोटिव होता है रिहैबिलिटेट करना होता है बच्चे को, ये कि उसको प्रॉपरली रिहैबिलिटेशन मिले, उसको एक अच्छी फैमिली हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, प्लस उसकी 18 ईयर्स तक, और आफ्टर 18 के भी बाद भी जे जे एक्ट कहता है कि 21 साल तक, इवन 23 ईयर्स तक हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आपने इतनी सुविधाएँ दी हुई हैं फिर भी बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं, जो माँ बाप अच्छी अवस्था में हैं उनके बच्चे काम करते हैं, तो उसके लिए क्या कानून है, और जो माँ बाप गरीब हैं जो बच्चे उन माँ बापों का पेट पाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपने प्रावधान कराया है जो उन बच्चों का और उनके माँ बापों का पोषण हो सके? तो राइट, अभी जैसे दिल्ली कमीशन ने बहुत सारे एक्शन लिए हैं बच्चों के लिए, स्पॉन्सरशिप एक स्कीम निकाली है, अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है जिनके पेरेंट्स, उनके उन बच्चों को 2500 रुपये पर मंथ प्लस उनकी एजुकेशन दोनों का उनका देखा जाएगा कि वो प्रॉपरली उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, और माँ बाप के लिए भी उनका रिहैबिलिटेट करने के लिए सोचा गया है कि उनको किसी तरह से किसी भी ऐसी संस्था में लगाया जाए, अगर उनकी प्रॉब्लम आती है सामने के माँ बाप को भी ज़रूरत है तो उनको भी हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं पेरेंट्स को, बेसिकली हमें बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना, अगर बच्चा किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहा है तो हम उनके हर एस्पेक्ट पर काम करते हैं। ठीक, थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। पेरेंट्स थे, ये सब चीज़ के उनके बारे में डिस्कस की, तो हमें नॉलेज मिली मैम से, तो हमने अपने एरिया में जाके ये सब चीज़ नॉलेज उन लोगों को दी, तो उन लोगों पे मतलब काफ़ी अच्छा रिएक्ट भी पड़ा कि मैडम ऐसा भी कुछ हो सकता है, और अब तो मैं आप लोगों को सबको पता है कि बैकवर्ड एरिया में ये चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन ये ऊपर से ना निकल कर नहीं आती है, तो जब हमने बच्चों के पेरेंट्स से बात करी इस सब चीज़ों के बारे में, तो वो हमसे मतलब इतने खुल गए कि मतलब एक दो बात मैम आई है, तो मतलब हमने उनको बताया कि आप ऐसे जाओ, इस तरह से जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो मतलब हम उनकी हेल्प कर पाए, जैसे भी मैम मेरे को जैसे भी मिला, जैसे जो भी मैं उनको सजेशन दे पाई, तो मुझे नॉलेज थी तो शायद मैंने उन लोगों को नॉलेज की। ये मेरी थर्ड मीटिंग है 50 सर के साथ भी, और सर मैं यही चाहूँगी कि आप हमेशा इस तरह की मीटिंग लेते रहें और हमें प्लीज बुलाते रहें। थैंक यू। जैसा कि मैम ने शेयर किया, एक उन्होंने वर्ड बोला कि वो लोग हमसे ओपन हो गए, आप देखिए उनके व्यवहार में जो चेंज आया उसमें उन्होंने सोसाइटी के अंदर ये चेंज लाया, पहला सबसे बड़ा।